तैयारी पूरी है, बैक वैक रेडी हो गया। भाई सब्सक्राइबर जो मिले थे ना उन्होंने तो टायर ही घिसवा दिए इसके, ये समझ लो नए नए। भाई के बाल देखो एक नंबर, एक ना ब्लैक डिफेंडर कितनी प्यारी लग रही है। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और जो दिन की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 11:20 पर हो रही है। वैसे हमारी शुरुआत सुबह हो गई थी, नहा वहा कर रेडी हो गए हैं। अभी एक दो काम है उसके लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने ना 4-5 दिन से व्लॉग नहीं बनाए हैं। मेरी दूसरी सिस्टर भी आ गई थी, उनके साथ घूमना, अभियान के साथ घूमना, मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि व्लॉग बनाए नहीं। उनको मॉल लेकर गया, उनको गेमिंग जोन लेकर गया, और काफ़ी इंडिया गेट काफ़ी जगह गए, तो व्लॉग आधे बने ही नहीं। लेकिन आज हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज कुछ स्पेशल सोच रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ तो थोड़ा प्यार दो यार, लाइक करो, कमेंट्स करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन नहीं मिलता तो ऐसा लगता है यार छोड़ो क्या ही व्लॉग बनाने। और वैसे भी मोहब्बत गई भाड़ में, हम चले पहाड़ पे। मतलब नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे कल हम जाने वाले हैं ट्रिप पर पहाड़ पे। अब किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आपको कल ही पता चलेगा। फिलहाल नीचे चलते हैं, सबसे मिलते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने काम से। और ये बेचारी ऊपर अकेली रहेगी, और इसका अकेले रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि नीचे अमायरा वो इससे डरती है, तो अब ये ऊपर अकेली रहेगी थोड़ी देर के लिए। हाँ क्या कर रहा है ये, क्या पेंट करने वाला है क्या, ब्रश लेकर? इससे क्या पेंट करोगे? पेंट कर दूं? नहीं नहीं कर दी। चलें फिर घूमने? बस अभी रुको, देखो ये सो कर भी अब उठ रहे हैं। 11:30 बजे सोने का टाइम। अरे इसकी बात कर रहा हूँ, ये फेस छुपा रही है। और ये अमायरा कैसी हो? अमायरा बीच में हमसे नाराज होगी थी ना 1-2 दिन के लिए, नहीं? चलना आज घूमने? कर दो यान, पेंट कर दो, कर दो पेंट, कर दो पेंट, कर दो। भाई ये दोनों देखो छुप छुप के कैसे देख रहे हैं। नाले नाले जा। और कल ट्रिप पे निकल रहे हैं तो अपनी स्कॉर्पियोन एक मैंने चेकअप के लिए भी भेजी थी। मतलब अभी तक वो वैसे 300 ही चली है, तो सर्विस तो नहीं करा रहे, लेकिन एक जनरल चेकअप के लिए भेजी थी, तो अभी वो भी आने वाली होगी। वो आती है फिर हम निकलेंगे अपने काम से। हे माता श्री, गुड मॉर्निंग। मोहब्बत गई भाड़ में, मैं चला पहाड़ में, ठीक है? हाँ मैं कल निकल रहा हूँ सुबह सुबह पहाड़ पे। सही में कि पगल की क्या बात है। मैं अब 4-5 दिन अच्छे से बच्चों के साथ खेला हूँ, इनको घुमाया है, अच्छी अच्छी जगह गए हैं, सब कुछ हो गया, मॉल गया, कितनी जगह गए, अब घुमा लिया। हाँ हाँ इसी मारे घुमा रहा था, फिर मैं निकल जाऊँगा। ये बताओ दीदी कहाँ गई है? मार्केट। भाई साहब उनका यही काम है, आते ही मार्केट। मतलब जब आएंगी सुबह देख लो 11:30-12 बजे मार्केट, और गई मेरे ख्याल से 10-10:30 बजे चलिए मार्केट, उन्होंने खोली है। मतलब और डेली का उनका ये काम है, या तो मेरे साथ घूमने या मार्केट। जय हो गणेश भगवान की जय। चलिए जी हमारी स्कॉर्पियो आ गई है। भैया का फ़ोन आया, वो सर्विस करके ना लेकर आ गए हैं, उसको लेते हैं। ये आ गई हमारी ब्लैक ब्यूटी। वॉश अभी की है। अब इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, चलाकर देख लेते हैं कि क्या सी है। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब पहाड़ों पे जाएं, ट्रिप पर जाएं ना, वहाँ कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, मस्ती के लिए, और फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो यार अच्छा नहीं है। इसलिए एक बार अच्छे से चला लेते हैं। इसीलिए देखो अभी मेरी गाड़ी चले 371, और मैंने पहले ही ये एक चेकअप के लिए, मतलब टेस्ट के लिए भेज दिया। मतलब ये सर्विस नहीं, एक टेस्ट करा दिया, वॉशिंग करा दिया चमका कर। अब इसकी ये प्लास्टिक भी मैं हटाने की रोज सोचता हूँ और रह जाती है, तो आज कोशिश करूंगा अंश आएगा तो इसको भी हटाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टास्क है, कितनी सारी रहती है पीछे से आगे तक। फिलहाल चला कर देख लेते हैं। लेकिन यार जब मैं फर्स्ट डे लाया था ना, जब इतना मजा नहीं था इसमें जितना मॉडिफिकेशन करा के फील आता है। और इसका स्टीयरिंग है ना यार बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ, मतलब XUV 700 से भी स्मूथ है इसका स्टीयरिंग। ऐसे देखोगे ना बहुत मजा आता है, खासकर ये जो कार्बन फाइबर करा है, इससे लोग अंदर मतलब खुद को बैठकर चलाने में मजा आता है। दूसरा जब इसका स्टीयरिंग हो जाएगा और मजा आएगा। स्टीयरिंग अभी पूरा ना इसको कार्बन फाइबर में, और यहाँ पे सब कुशन बढ़िया करना है, मतलब उसका जुगाड़ में लगा हुआ हूँ, क्योंकि इसका ना जल्दी से ऐसा होता नहीं है। जब हो जाएगा ये एक नंबर लगेगी। और काफी मॉडिफिकेशन अभी इसमें कराना है, लेकिन पहले एक ट्रिप करके आते हैं, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन कराएंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा मेरे 2 चैनल हैं, तो मैं कभी इस पर व्लॉग डालता हूँ कभी उस पर, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना, नीचे लिंक मिल जाएगा। एक लकी बैसला के नाम से, एक लकी बैसला व्लॉग्स के नाम से, जिसको हमारे डेली व्लॉग ये देखने पसंद है, तो वो दोनों चैनल पर देख लेना। और वॉश होने के बाद ना बाहर से भी एक नंबर लगती है, चमक के मस्त लगती है। बाकी इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा हुआ है डाला हुआ है, तो वो जाकर जरूर देख लेना, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन ये है, ये जल्दी कलर ना गंदा भी बहुत जल्दी होता है, तो ऐसा चमक रहा है कि अपने आप को देख सकते हैं। वीडियो बना रहा था, सब्सक्राइबर भाई मिल गए अपने यहाँ पर अंदर ग्राउंड पर। कार चलानी सीख रहे हैं और हम एक वीडियो बना रहे थे तो भाई आ गए, लेकिन उन्होंने मेरी एक हेल्प कर दी, थंबनेल ले लिया। बाकी कार उनको बहुत पसंद आई, खासकर मॉडिफिकेशन है वो पसंद आई। फ्यूल भी इसका खत्म हो रहा है भाई साहब, इसकी थार से भी खतरनाक एवरेज है। हालांकि थार की कम होनी चाहिए, इसकी उससे भी कम है। मतलब अभी देखोगे ना 8 दिखा रही है, लेकिन ये देती 6 के करीब ही है। और 3-4 दिन पहले तो 4-5 ही डिस्प्ले में दिखा रही थी। बाकी इसे चलाने का एक अलग ही मजा है। इसका स्टीयरिंग है ना, आप देखो एक हाथ से कितना स्मूथ, कितना लाइट स्टीयरिंग है। मतलब अभी तक मैंने किसी कार का ऐसा स्टीयरिंग नहीं देखा है। ये वाला मेरा डिसीजन अच्छा था, खासकर ये वाला मॉडल लेने का डिसीजन अच्छा था, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन थी ना वो मैं जब ही करा सकता था अगर मैं ये मॉडल लेता। अगर दूसरा मॉडल लेता उसमें इतना क्रोम व्रोम ये आता है, वो लुक नहीं आती जो मुझे इसकी लुक चाहिए थी ना, जो अभी आपने देखी है ना ब्लैक लुक, वो नहीं आती। भाई सब्सक्राइबर जो मिले थे ना उन्होंने तो टायर ही घिसवा दिए इसके, ये समझ लो नए, मतलब कह रहे ड्रिफ्ट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। मैंने भी चलो यार दिखा देते हैं, फिर वो अंदर बैठ के मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब 5-6 बार उन्होंने अच्छी खासी ड्रिफ्ट करवाई है कार, लेकिन मजा आया। इसमें ड्रिफ्ट भी अलग हो रही है, मतलब थोड़ा ईजिली है इसमें ड्रिफ्ट करना, या तो इसका स्टीयरिंग लाइट है या जो भी रीजन है, लेकिन ड्रिफ्ट करना ईजी था। हो सकता है वो इसके टायर की वजह से भी हो, क्योंकि जो इसका टायर साइज है ना वो मैंने लो प्रोफाइल लिया, तो लो प्रोफाइल की वजह से ड्रिफ्ट अच्छा हो रहा हो, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। लो प्रोफाइल एक तो चलते कम है, फटने के चांस जल्दी होते हैं। मतलब मान लो आपके नॉर्मल टायर 50,000 चल रहे हैं ना, ये 20,000 चलेंगे, लेकिन लुक जो आती है लो प्रोफाइल में अलग ही आती है, और ये नॉर्मल वाले टायरों से महंगी भी रहते हैं। कोई कहेगा ये कार अभी वॉश होके आई थी, फिर पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई। चलिए जी अंश आ गया, आप कह रहा है एक राउंड मैं भी लेकर आता हूँ, और मैंने कहा था मैं इसे ये कभी गाड़ी नहीं दूंगा, और उसी ब्लॉग में उसी दिन दे दी। मेरे माइंड में नहीं रही, मेरे दोस्त मिले, मैंने तुरंत इसको गाड़ी दे दी। मैं तो तुझा मैं जा रहा हूँ, खुद समझ नहीं आया। ट्रस्टी तो नहीं है इसलिए तो नहीं देता, ट्रस्ट नहीं है ये मेरी तो है। वो तो दे दी मेरे को पता, आज नहीं तो चुपचाप चोरी करके ले जाएगा, इसलिए मैंने दे दी। चल एक राउंड लेके आ जा, और फिर दोनों गाड़ी ना सीधी सीधी लगाइयो, ठीक है? मैं यहीं खड़ा हूँ। जा क्या कर दिया इसका, क्या हो गया? अभी तो वॉश हो गई थी, वॉश हो गई, पूरी गंदी हो गई। और मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, कल फिर दोबारा वॉश कराऊंगा शाम को। हाँ शाम को फिर कराऊंगा, नहीं नहीं तो लगेज थोड़ी है। चलो जी अब सही दोनों पार्क हो गए, सही लग रहे हैं ना दोनों के। ये इसका फेवरेट गाना है। अब ये सैंडल उतार के जो डांस करेगा इस पे, ज्ञान गा कर दिखाना। वो गया, इसको तो पहले आवाज ही चाहिए। कर दो इसके गाने की आवाज। अब चक्कर क्या है, इसको ये गाना अच्छा लगता है, इसकी वजह से ये गाना चल रहा है, और बाकी सब बेचारे इसकी वजह से सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। बाकी खाना पीना हो रहा है, हम भी खाना पीना खाएं फिर हम जाएं। और ये गाना ना इतना सुन लिया मुझे भी अच्छा लगने लगा है। चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में है व्यान। अभी जा रहा हूँ मैं एम्बियंस मॉल, जो कि मेरे घर से अराउंड 35 किलोमीटर। और गर्मी सच बता रहा हूँ बहुत गंदे वाली हो चुकी है दिल्ली में। बस मैं तो कल निकल जाऊंगा। अभी तक मौसम ठीक था, दिल्ली में बारिश वारिश अच्छी खासी हुई है, लेकिन 2-3 दिन से गर्मी हो गई। और आज मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 45 है। 45 में समझ रहे हो कैसी हालत हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और पीछे ये सामान देख रहे हो सब, ये स्कॉर्पियन की जो एसेसरीज है वो मंगाई है मैंने। ये कुछ एसेसरीज थी जो मैंने सीधा घर पे मंगा ली थी। अब जब टाइम मिलेगा जब लगाऊंगा। और पीछे डिग्गी में भी है। टेम्परेचर देखोगे ना 46 है टेम्परेचर भाई साहब, बाहर का टेम्परेचर 46। अराउंड 15 किलोमीटर चल चुका हूँ, और मैं यही सोच रहा था सब कुछ मिल जाए भाई, ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि जब खड़े होते हैं ना जब धूप और ज़्यादा तेज लगती है। और सलूट करता हूँ इन बाइक वालों को भाई। बाइक वाले ने तो देखो इसने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, क्या जबरदस्त गर्मी लग रही होगी। मैंने सोचा था बस ये ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, मेरा दोस्त नहीं मिलना चाहिए, ये दोस्त बिना मिले रह ही भी नहीं सकता मेरे से, जरूर मिलता है। वो तो सही है, अपनी सिटी के लिए मैं अपनी सिटी वाली कार निकाल के लाया हूँ, नहीं तो स्कॉर्पियो या थार या ये गाड़ी चलाने में ना मुझे प्रॉब्लम होती है ऐसे ट्रैफिक में। उनमें हाईवे में मजा आता है, एक बार अपना क्रूज लगाओ और बढ़िया चलाओ। लो जी मेरे लेफ्ट में आ गया है मॉल, DLF मॉल। अब आगे से यहाँ से यू टर्न लेकर हम जाएंगे। लेकिन यार साउथ दिल्ली आ जाओ, एक से एक कार देखने के लिए मिलते हैं। देखना ब्लैक डिफेंडर कितनी प्यारी लग रही है। और ये ही नहीं, मतलब इतनी कार देखी अभी पीछे, बेलार, रोल्स रॉयस सब ऐसी ही खड़ी हुई हैं। मतलब चक्कर क्या ना, इसमें ज्यादातर पार्किंग में नहीं लगाते, बाहर खड़ी करते हैं ड्राइवर के साथ, खुद मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। 1-1.5 घंटा हो गया है मुझे मॉल में आया हुआ, शॉपिंग हमारी हो गई है ये। लेकिन बाहर दिखाता हूँ आपको धूप कितनी है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप है कि मेरा मन कर ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ से मॉल से बाहर निकलूँ। बाहर में बढ़िया ए सी चल रहा है, तो मैं इसके साइड में दूसरा मॉल है उसमें जा रहा हूँ और वहाँ से जाकर मैं लूँगा मूवी टिकट और मूवी देखूँगा। जब तक मूवी खत्म होगी, जब तक ये धूप कम हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी। और ये आज की बात है, कल तो हम पहाड़ों पर, बंदी गई बाढ़ में, हम चले पहाड़ में। ओए होए भाई साहब, क्या गर्मी है, क्या धूप है। बाहर निकल के पता चलता है मॉल से। क्या मस्त डेकोरेट कर रखा है ना, बढ़िया लग रहा है, एम्बियंस पूरा बढ़िया। और भाई के बाल देखो, एक नंबर। टाइम हो रहा है 4:10 और मेरा जो शो है ना वो 4:30 बजे का है, तो मैंने यहाँ इतने खाने का ले लिया, खाऊंगा, इतने टाइम पास होगा और फिर इधर चल देंगे मूवी देखने के लिए। अपना है स्क्रीन 4 इधर है, ये रहा ओडी 4। तू है तो मुझे फिर और इस वाली कार का नंबर देखो यार, बिल्कुल अलग ही नंबर है। कार भी अच्छी लगती है वैसे, हाई क्रॉस ब्लैक कलर में। अभी जा रहा हूँ मैं मनोज के पास, थोड़ा ट्रिप का प्लान कर लेते हैं, कब कहाँ कैसे करना है, मतलब वो मुझे सुबह कहाँ पर मिलेगा, किस टाइम जाना है, सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो वो सब डिस्कस कर लेते हैं चलकर। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, तैयारी पूरी है, बैग वैग रेडी हो गया? तैयारी करनी पड़ी है। किस टाइम जाओगे ये बताओ? सुबह निकले 6 बजे, नेट 6 बजे, वेट नहीं करूँगा 6 बजे। और मिलोगे कहाँ? चलो वो ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं। अरे बस कैमरा चालू होते ही बाल वाल कपड़े सब ठीक होने लगे। चलो फाइनल हो गया। मैं चलते अंदर, हाँ चल रहे हैं, लेकिन मैं मिलता हूँ कल। फ्रेंड मेरे को याद करते हैं? बिल्कुल करते हैं, पूछते हैं मनोज मल्होत्रा का है। देखो घर के बाहर ये प्रॉब्लम है, दोनों गाड़ी कितनी गंदी हो गई हैं। ये अभी मुश्किल से 3-4 घंटे हुए होंगे खड़ी करे हुए। और ये देखो, ये सारे नीचे आ गए। जैसे मैंने कार पार्क की ना, इन्होंने ऊपर से देख लिया, नीचे आ गया, हमें घुमा के लाओ। कौन सी में जाना है इसमें? ये गंदी देखो कितनी हो गई, ब्लैक कलर का भी मत लेना लाइफ में। टाइम देखो, रात के 11 बजने वाले हैं और इनका सोना नहीं हो रहा। ये रात को भी अभी इंडिया गेट जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमने यहीं से आइसक्रीम दिला दी है। इंडिया गेट तो नहीं जाएंगे, इनको बस यहीं के आसपास घुमाएंगे 2-4 किलोमीटर और फिर हम जाकर इनको घर सुला देंगे। वैसे ये 2-3 बजे तक सोने वाले नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, आपको कल दिल्ली से बाहर घुमाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नहीं लेकर, जब तक के लिए।